नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, अगर आप इंडियन हाईवेज पर परमानेंट ट्रेवल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ लोकल्स कैसे इन रोड्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं। उनका जब मन कर अचानक मेन रोड पर आ जाते हैं या फिर थोड़े आराम के चक्कर में अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड में घुसा लाते हैं, और इनमें से ज्यादातर ट्रैक्टर वाले होते हैं। ये भाई लोग तो मतलब ऐसा लगता है नियम कानून जैसा कुछ समझते ही नहीं। ये सिर्फ अपनी गलत हरकतों से दूसरों का नुकसान करते हैं। रिसेंटली चैनल पर आपने दो ऐसे एक्सीडेंट्स देखे होंगे, एक स्कॉर्पियो एन का और दूसरा बलिनो का, और दोनों में ट्रैक्टर रॉन्ग साइड में चलाया जा रहा था। बलिनो के पैसेंजर्स की तो डेथ भी हो गई थी। आज फिर से वैसा ही कुछ सामने आ रहा है जैसे कई सारे न्यूज चैनल्स ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के सांगली में महिंद्रा बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बोलेरो से एक फैमिली रत्नागिरी नागपुर हाईवे से होते हुए पंढरपुर की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से उनके कार की टक्कर हो गई। यहां पर गाड़ी किस रफ्तार में थी वो नहीं पता, हालांकि हाईवे है तो ये मिनिमम 80 तो रही ही होगी। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल रॉन्ग साइड में है और इसे फास्ट लेन यानी ओवरटेकिंग वाली लेन में चलाया जा रहा है, और हो सकता है बोलेरो के ड्राइवर को ओवरटेक करते हुए ये ना दिखा हो या अचानक से कोई गाड़ी सामने से हट गई हो। जो भी हो, टक्कर सीधा और बहुत ही जबरदस्त हुआ है जिसमें बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं ट्रैक्टर एसयूवी के फ्रंट को फाड़ते हुए अंदर घुस गया है, जिससे इसका सब कुछ बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गया। इसके अलावा इंपैक्ट से पिलर थोड़ा बहुत मुड़ गया है और डोर पूरा टूट गया है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो अनफॉर्चुनेटली इस भयानक एक्सीडेंट में बोलेरो में बैठे 5 पैसेंजर्स की डेथ हो गई जबकि 2 को इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। वहीं ट्रैक्टर के ड्राइवर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही ट्रैक्टर वाले ने की है। इसके बेवकूफी के चक्कर में 5 लोगों की जान चली गई, और ये कोई नया नहीं है, हमेशा ही होता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती। ऐसे चीजों को तुरंत रोकना चाहिए और ड्राइवर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, वरना ये ऐसे ही बिना वजह दूसरों की जान लेते रहेंगे। आपका इस पर क्या मानना है कॉमेंट में बताइए।